मेरा प्रवचन तो हो चुका है, लेकिन पुनः पुनः जब ये बात रख दी कि भंते जी अभी और कुछ और कहे, देखिए पुस्तकें एक वो माध्यम है जो हमारे समाज के लिए एक दर्पण का काम करेगा। यह जो पुस्तकालय की स्थापना हो रही है, मैं ये आशा करता हूं कि ये इस समाज के लिए एक दर्पण का काम करेगी और इस पुस्तकालय से प्रेरित होकर के कुछ युवा ऐसे भी निकलेंगे देखकर ये कहते थे कि हमारा भला ईश्वर आत्मा परमात्मा देवी देवता काली पीली धोली मीरा फकीरा गंगा यमुना स्वर्ग नरक इनसे हमारा भला नहीं होगा। हमारा भला जब होगा कि जब हमारा बेटा या बेटी पढ़ लिख करके IAS या IPS बनेंगे उस समय हमारा भला होगा। मतलब हमारा भला एजुकेशन से होगा। देखिए एक बात मुझे याद आती है, 25 नवंबर 1976 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरठ में आए थे भैसाली पार्क में। तो जैसे गजरौला के लोगों ने कार्यक्रम की व्यवस्था की है, ऐसी अच्छी व्यवस्था करी। बाबा साहब मंच पर पहुंचे तो वहां देखा कि महिलाएं मंच के पास में बैठी हुई है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, बहनों अम्बेडकर को देखने आई हो? तो महिलाओं ने सर हिला करके कहा कि हाँ अम्बेडकर को देखने आई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बहनों तुम अम्बेडकर को कैसे देख पाओगी, तुमने तो आंखों पर पर्दा कर रखा, अम्बेडकर को तुम कैसे देख सकती हो? तो सबने एकदम पर्दा हटा लिया, पर्दा एकदम हटा लिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर दूसरी बात कहते हैं, बहनों अम्बेडकर को देखने से तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा भला डॉक्टर अम्बेडकर को देखने से नहीं होगा। तुम्हारा भला जब होगा कि जब तुम घर घर में अम्बेडकर पैदा करोगी तब तुम्हारा भला होगा। दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मंच पर कुछ सफेद पोष लोग बैठे हुए थे, सफेद पोष लोग बैठे हुए थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, भाइयों इस देश में मैंने ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है, बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े महलों वाले तुम्हारे घरों पे आएंगे और क्या कहेंगे कि जीजा वोट मोड़िए गई हो। लेकिन भाइयों यदि कोई बंगला वाला कोठी वाला तुमको अपनी कोठी में बंगले में सम्मान के साथ बुलाता है तो जाओ, तुम्हें यदि वहां सम्मान मिलता है तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दूसरे की कोठी में जाने से पहले, दूसरे के महल में जाने से पहले अपनी झोपड़ी में आग लगा के मत जाना। यदि जिस दिन वो तुमको कोठी से बाहर निकालेगा तो कहां रहोगे फिर? यदि तुम्हारी झोपड़ी है तो कम से कम उसमें आके बैठ तो जाओगे। हमारे देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद दो आदमी ऐसे थे कि जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर मूवमेंट के लिए काम किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में टुगुल बजाया, और वो थे दोनों संत प्रिय गौतम और बुद्ध प्रिय मौर्य, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया सभी को। मौर्य जी का भाषण होता था, लाखों लोग खड़े हो जाते थे। संत प्रिय गौतम का भाषण होता था, रास्ता चलते हुए रुक जाते थे। लेकिन ये लोग पैसा के चक्कर में,
कुर्सी के चक्कर में एक बीजेपी में चला गया तो एक कांग्रेस में चला गया। उसके बाद आया रामविलास पासवान, वहां के साथ में पासी दो जाति, पासी जाति के लोग भी नहीं थे, बल्कि जाटव समाज के लोगों ने ही उसको हीरो बनाया। जब वो एमपी बन गया तो वो भी बीजेपी में जाके बैठ गया। फिर आया उदित राज, वो भी वहां के साथ भी दो खटीक नहीं थे, उसको भी जाटवों ने हीरो बनाया। और जब वो भी एमपी बन गया तो वो भी बीजेपी में जाके मिल गया। देखिए माननीय कांशीराम साहब ने बड़े त्याग और परिश्रम से ये मूवमेंट तैयार किया है। केपी चौधरी जी, उस दिन मैं वहां कुकुर को सुन रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि यदि 2019 में यदि तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग न किया, तुमने अपनी खोपड़ी में ये नो कहते ऊपर वालों करेगो जो कुछ करेगो, मैं ऊपर वाले की कह रहा हूं, ऊपर वालों या यूके में, यदि तुम्हारा ये ऊपर वाला रूठ हुआ